सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप आप सब लोग की दिवाली बहुत अच्छे से बीती होगी, एकदम सेफ तरीके से। पटाखे तो फोड़े हो गए आपने, चलता है उतना। तो आज का टाइटल और थंबनेल देख के आपने समझ ही लिया होगा कि अपन क्या करने वाले हैं। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, वेगा बोल्ट पे हम ब्लू आर्मर का चिन माउंट लगाएंगे। और मेरा दोस्त जो अपने लास्ट ब्लॉग में देखा श्रीनिकेत, उसने मुझे रिकमेंड किया, मैं वो स्ट्रैप लेने वाला था, जो कि उससे होता क्या है कि उससे वाइजर कम्प्लीटली बंद होता नहीं है। तो मैंने श्रीनिकेत का सुन लिया और ब्लू आर्मर का चिन माउंट ले लिया है। तो उसी से मैंने पूछा था कि ये कैसे माउंट करना है, तो उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो उस हिसाब से अपन लगा देंगे। तो ये लगाने के लिए ये वाला जो सरफेस है चिन एरिया, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेंट दिया हुआ है, तो ये अभी ओपन ही रहेगा क्योंकि ये पूरा ऐसा स्ट्रैप आएगा। वो स्ट्रैप भी बता देता हूँ, ये ऐसा कुछ दिखता है ब्लू आर्मर का चिन माउंट। ये 380 रुपीज का पड़ा विद डिलीवरी चार्जेस। और श्रीनिकेत बोल रहा था कि इसका जो 3M का एडेसिव टेप है तो वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो दूसरा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो मैंने पहले वाले हेलमेट पे आपने देखा होगा कि एम सील से चिपकाया था, वो मुझे इस हेलमेट पे नहीं करना था, इसलिए दिस वॉज द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो लगाएंगे अभी, बस इसको ये वाला सरफेस जो है वो थोड़ा सा क्लीन करना है अच्छे कपड़े से, खराब कपड़ा नहीं चलेगा। और अगर आप इसको सैंड पेपर से थोड़ा घिस लोगे तो और भी अच्छा रहेगा, लेकिन ये वाला एरिया जो है वो ऑलरेडी रफ है, तो ये अच्छे से चिपक जाएगा उस पे, और ज्यादा कुछ करने की अपने को जरूरत नहीं है। तो लगाते हैं फिर, अभी इसको पोंछ लेते हैं पहले। तो इसको अच्छे से आपको पोंछ लेना है, ये हो चुका है एकदम क्लीन। अभी इसका ये वाला निकालेंगे अपन टेप, यहाँ पर भी दिया हुआ है वन टाइम यूज ओनली फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, रिमूव डस्ट फ्रॉम हेलमेट सरफेस बिफोर स्टिकिंग। अपन ने वही करे, अभी निकालने का भी एक अलग ही सेटिस्फेक्शन रहता है। तो श्रीनिकेत ने बोला था कि भाई अपन जब हेलमेट पहनते हैं तो थोड़ा अपना सर लेफ्ट साइड की तरफ होता है, तो ये जब अपन हेलमेट के पास देखेंगे तो ये थोड़ा सा राइट साइड में लगाना है अपने को। अपन ने लगा दिया इसको, और ये बना है मतलब फ्लेक्सिबल प्लास्टिक से बना है, पीवीसी या ऐसा कुछ है मटेरियल, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन भाई इसका जो टेप है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये अभी से ही मुझे पता चल रहा है। और ये जो इसके विंग्स है, ये फ्लेक्सिबल होने के कारण कोई भी सरफेस पे अच्छे से चिपक जाएंगे। अभी ये देखो, 10 सेकेंड का काम था, खाली 10-20 सेकेंड का, बस आपको सरफेस अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो अभी शाम में इसको टेस्ट करेंगे, देता हूँ आपको रिव्यू बाद में। ये तो एकदम मस्त चिपक गया है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, आप देख सकते हैं, मैं खींच रहा हूँ इसको, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये काफ़ी अच्छा चलेगा ऐसा मुझे भी लग रहा है। अभी इस पर कैमरा लगा के देखते हैं, केस तो भी लगा लेंगे एक मिनट। भाई आप देख रहे हो कितना मिनिमल है, मतलब समझ में भी नहीं आ रहा कि कुछ एक्सटर्नल लगाया हुआ है, ऐसा सब लग रहा है कि कैमरा ही हेलमेट पे लगा दिए। अगर आपको लेना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करना और खरीद भी लेना, 380 रुपए पूरा पैसा वसूल है भाई, अभी से ही बोल दे रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया था कि इसका वो चिन माउंट का टेस्ट करना है, तो हम अभी हाईवे पर आए है और रोहित ने नया हेलमेट लिया है जाएंगे इधर टेस्ट करेंगे और बताता हूँ आपको बाद में। तो अभी मैंने ये चिन माउंट टेस्ट किया, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, 380 रुपये में मतलब पैसा वसूल है,
300 रुपए गम्मत है डायरेक्ट। जो माइक सेटअप है उसमें काफी ज्यादा विंड नॉइज आ रहा है, तो घर पर जाकर उसको अच्छे से सेट करना पड़ेगा। तो मैं बस क्लिप्स ही डालूंगा। और अभी हम रुके हैं एक जगह पर, हमारे स्पॉट पे, इधर ये वाले स्पॉट पे। तो अभी चिल करेंगे और निकलेंगे यहाँ से, बस चाय वाय पियेंगे। तो मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद या सीधा घर पर। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो गाइज। जैसे कि आपने देखा कि ये माउंट हाई स्पीड्स पे भी काफी ज्यादा स्टेबल है। तो अगर आपको लेना ही है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, दोबारा सोचो मत, खरीद लो। 380 रुपए में और क्या ही चाहिए। और ये इतना मिनिमल दिखता है कि समझ में ही नहीं आता कि कुछ लगाया हुआ है हेलमेट पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करो, कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपको क्या अच्छा लगा, और सब्सक्राइब करना तो भूलो ही मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।